हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कब्ज कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन, जैसा कि आप सोचते हैं कि अगर दिन में एक बार भी आपने स्टूल पास आउट नहीं किया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 या 3 दिन के अंदर एक बार भी स्टूल पास आउट नहीं किया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन आपको सिर्फ कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से हुआ है। कॉन्स्टिपेशन कई बार आप देखेंगे आपकी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से भी रह सकता है। मेन रीज़न आप देखेंगे तो यही होता है। कॉन्स्टिपेशन सिम्टम है, लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक रहता है ड्यू टू योर नेग्लिजेंसी और ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज कर सकता है। और इन कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज की अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आगे भी कोई और डिजीज हो सकती है अगर उनका सप्रेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि अभी की रूटीन की आपकी लाइफ है सभी की, वो है या तो सेडेंट्री लाइफ, यानी कि जिसमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप काम पे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आते हैं और आपकी डेली एक्टिविटी में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, और या फिर आपकी टू बिजी लाइफ, बहुत ही ज़्यादा हरी भरी वाली लाइफ है जिसमें आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप बैठ के आराम से अपना खाना खा सकें, अपनी एक्सरसाइज कर सकें, ऐसा नहीं है। तो इन दोनों ही रीजंस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और ये कॉन्स्टिपेशन किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं, बल्कि आपकी नेग्लिजेंसी और आपकी बिजीनेस की वजह से ही हो रहा है। ये आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट, एक्सरसाइज या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपको दिन में स्टूल पास आउट ही नहीं हो पा रहा है या उसकी फीलिंग नहीं हो रही है। अगर ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है और आपकी लाइफस्टाइल आपने, जैसे मैंने बताया है कि वो एकदम सही है, तो आप ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करें। लेकिन जैसा कि आप लोग सभी ये सोचते हैं कि दिन में एक बार स्टूल पास आउट नहीं किया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, और फिर आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट तो कर ही लेते हैं, सेल्फ मेडिकेटेड हो जाते हैं, और उसी वजह से कई बार आपका जो प्रॉपर डायग्नोसिस होता है क्या वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है या क्या ऐसा रीज़न रहा है, वो कहीं ना कहीं हिडन हो जाता है और जल्दी से फाइंड आउट नहीं हो पाता है। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और कॉम्प्लेक्स डिजीज के अंदर। तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन का? क्या आपको डाइट, एक्सरसाइज या आपको क्या ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए? और अगर ये सब करने के बाद भी आपको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो वो क्या लेनी चाहिए, ये सभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. अब जैसा कि मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन कब्ज कैसे रह सकता है, क्योंकि आपकी इन सेडेंट्री लाइफ है, आपकी बिजी लाइफ है, तो आप खाना पीना अपना अच्छे से टाइमली नहीं कर पाते हैं, या जो खा रहे हैं वो भी न्यूरिश्ड हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है जिसमें जो फाइबर, सेल्यूलोज ये वगैरह जो हमें न्यूरिश्ड न्यूरिशमेंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट और न्यूरिशमेंट नहीं है आपकी डाइट के अंदर, तो भी आपकी इंटेस्टाइन उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाती, पूरा अच्छे से वर्क नहीं हो पाता है। और आपकी जब इंटेस्टाइन को वो स्टिमुलेशंस वगैरह नहीं मिलते हैं प्रॉपर, तो प्रॉपर स्टूल फॉर्मेशन नहीं हो पाता और आपको स्टूल की डिजायर नहीं हो पाती और आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का एक जो मेन रीजन रहता है वो है डिस्केशिया। अब डिस्केशिया क्यों होता है? डिस्केशिया मतलब कि आपकी जो रिलैक्स फीकल फॉर्मेशन जो होता है, रेक्टम का जो फीकल को एक्सपेल करना और एनस का रिलैक्सेशन होना, ये जो पावर लगती है या इसमें जो फोर्स लगती है उसका इम्बेलेंस हो जाना या उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होने की वजह से, एक तरह से आप बोल सकते हैं रेक्टम मसल की टोन्स का चले जाने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और ये डिस्केशिया में कोई भी मेडिकल हेल्प इतना आपको हेल्प नहीं कर पाती है मेडिसिन कि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। डिस्केशिया का मेन रीजन रहता है आपका लेजीनेस, आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी फॉल्स मॉडेस्टीज, मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं
तो आप खाना पीना टाइमली नहीं करते हैं, या फिर आपको स्टूल की अर्जिंग होती है, बट आप ऐसी जगह पे हैं कि आप वहाँ पे पास आउट नहीं करके आ सकते, या आपको सैनिटरी इश्यूज रहते हैं, तो उस वजह से आप जब आपको अर्जिंग होती है आप स्टूल पास आउट नहीं करते, और वो कंटिन्यू अगर आप अपनी लाइफ में ये करते रहते हैं तो कंटिन्यू लॉन्ग इनवॉलेंट्री जो आपका ये रहता है नेग्लिजेंसी, उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम डिस्केजिया हो सकता है, आपकी उन मसल टोन्स चली जाती है, और एक टाइमिंग के बाद आपको डिज़ायर फील होना ही बंद हो जाता है, आपको सेंसेशन आने बंद हो जाते हैं कि आपका रेक्टम फुल है एंड यू नीड टू गो फॉर अ स्टूल। तो ये एक रीज़न रह जाता है इसका, लेजीनेस, फॉल्स मॉडेस्टी मीन्स, जैसे महिलाओं को है या कुछ लोगों को है ऐसा कि नहाने के बाद वो लोग स्टूल पास आउट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पूजा अर्चना वगैरह करनी होती है, तो हम लोग नहाने के बाद स्टूल पास आउट नहीं करेंगे, अगर उनको डिजायर है तो भी वो नहीं जाते हैं, तो वो एक रीजन बहुत बड़ा कॉज है वैसे देखिए, और जिसे आप इजीली देखते नहीं है, आप सोचते हाँ शायद खाना पीना हमारा ठीक नहीं है या आपकी एक्सरसाइज नहीं है, उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, उस वजह से नहीं, ये एक रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहे। एक रीजन जो हो सकता है कि आप लोग जैसे खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, आप पानी भी टाइमली नहीं पीते हैं, या फिर आपका यूरिन पास आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपके जो स्टूल में फॉर्मेशन के लिए भी वाटर की नेसेसिटी होती है, तो वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, उससे स्टूल प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाता, और आपको उसकी कोई डिज़ायर ही नहीं होती स्टूल पास आउट करने की। तो ये कई रीजंस रहते हैं जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में रेगुलर ये सब अगर आपके नहीं है, मीन्स आप डाइट में भी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज भी करते हैं, और आप लोगों की हाइजीन भी मेंटेन्ड है, बट स्टिल आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है, देन यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन और एनी डॉक्टर, क्योंकि हो सकता है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू एनी रिफ्लेक्स एक्टिविटी और ड्यू टू एनी अदर कॉज आपको कॉन्स्टिपेशन रहा हो, तो उसको डायग्नोज करने के लिए वो ट्रीट आगे डायग्नोसिस रहेगा, ट्रीटमेंट रहेगा, वो उसके अकॉर्डिंग डायग्नोज करके होगा। बट अगर आपने देखा है आपकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है, आपकी डाइट में वो चीज़ नहीं है जो आपको कॉन्स्टिपेशन या स्टूल प्रॉपर फॉर्मेशन में हेल्प करे, वो क्या डाइट्स होनी चाहिए जो आपको स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, क्या होनी चाहिए डाइट में, हाई फाइबरस डाइट होनी चाहिए, हाई सेल्यूलोज वाली डाइट होनी चाहिए, शुगर भी होना चाहिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह होते हैं तो वो आपकी डाइट में होना चाहिए। डाइट में जैसे आप जनरली क्या करते हैं कि सब्जी कम खाते हैं और चपाती ज़्यादा खाते हैं, आप सोचते हैं वो खाना ज़्यादा हो जाएगा और खाना है वो हमारे लिए, बट आप अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल सब्जी को ज़्यादा बढ़ाइए और चपाती नाम के लिए लीजिए, मीन्स लिटिल लाइट चपाती लेनी है, चपाती जब आप जो आटा जिससे आप चपाती बनाते हैं उस आटे को छाने नहीं, बिना छने आटे की चपाती बना के सब्जी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं, और लीफी जूस, लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जूस वाले फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, आप मैकेनिकल जो बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो अवॉइड करें अपनी लाइफ में। जैसे आपने देखा है आपकी जब ऑफिस वगैरह होते हैं तो आप सीधा पैक्ड फूड मंगवाते हैं और वो खाते हैं, तो वो अवॉइड कीजिए, वो नहीं खाना है आपको, आपको अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बढ़ाने हैं और चपाती कम रखनी है। आप क्या कर सकते हैं, एक और आप देखिए जो फ्रूट्स हैं उसमें आड़ू और सूखा आलू बुखारा, एप्पल जूस, ये सब आपको बढ़ाना है, आपका जो डाइट होता है वो जूसी डाइट होनी चाहिए जिसमें न्यूरिशमेंट रहे, और ये जूस वाला जब आप पोषण खाते हैं तो आपकी जो वाटर क्वांटिटी है वो भी कंप्लीट होती है बॉडी के अंदर, और आपके स्टूल फॉर्मेशन में भी वो हेल्प करेगी। एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए, एक्सरसाइज में ये नहीं है आपको कि बहुत विग्रस या बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करनी है जिसमें बहुत पावर लगे, स्ट्रेन लगे, ऐसी एक्सरसाइज नहीं, आपको लाइट वेटेड एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर आपका ट्रंक यानी स्टमक का पार्ट रहे, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपके ट्रंक की जो मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि आपकी मसल टोन्स
इंटेस्टाइन की सही हो सके। तो ऐसी एक्सरसाइज करनी है, लाइट वेटेड एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज से आपका जो डिस्केजिया की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। एक जो इम्पोर्टेंट है कि बाथ, जब आप बाथ लेते हैं तो बाथ जब आप डिफिकेशन के लिए जाते हैं, मीन्स स्टूल पास आउट करने के लिए जाते हैं, उसके आधा या एक घंटे के बाद में आप बाथ ले। ऐसा मत करें कि सडन ही आपने अभी पास आउट किया और आप बाथ ले रहे हैं। ये एक है पॉइंट जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आधा या एक घंटा वेट करने के बाद आप बाथ ले। और आप क्या कर सकते हैं, आप जो हाइजीन है, अपनी हाइजीन जरूर मेंटेन करके रखें। कई बार होता है कि आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं, उस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं और इन्फेक्शन आगे प्रॉब्लम क्रिएट करके, और हो सकता है कि आपकी जो हाइजीन ना होने की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई। एक जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी हरी भरी लाइफ स्टाइल है, अगर तो आप क्या करते हैं, जब आपको अर्जिंग होती है आप जाते हैं स्टूल पास आउट करते हैं, जितना हुआ ठीक है, और फिर आप निकल आते हैं। बट आपको उसको टाइम देना चाहिए, यू टेक अ टाइम टू पास आउट द प्रॉपर स्टूल। आपको अपना अच्छे से टाइम देना है ताकि आपका स्टूल कंप्लीटली इंटेस्टाइन एम्प्टी हो सके एक बार के लिए। तो प्रॉपर एम्प्टी इंटेस्टाइन एम्प्टी होने के लिए आपको टाइम देना होगा, तो आप हरी भरी में मत जाएं। एक ध्यान रखिए कि आप कभी भी डिजायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही डिजायर होना चाहिए तभी आप हेल्दी हैं, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी भी डिजायर हो रही है आप वो जरूर उसको ओबे कीजिए। जब भी आपको जहाँ पे भी हैं, अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं तो आप उसी टाइम में स्टूल पास आउट करें। ये भी एक आपकी डिस्केजिया की प्रॉब्लम को दूर करेगा, क्योंकि आप देखते हैं कई बार सैनिटरी इश्यूज होने की वजह से, या फिर आप अपनी ऑफिस में हैं या किसी और के घर में हैं, तो आप अवॉइड करते हैं स्टूल पास आउट करना। और आप भी सोचते हैं कि अगर आपको अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ, किसी भी टाइम में हुआ है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब भी स्टूल पास आउट करने की डिजायर हो तभी पास आउट कर दीजिए। और जैसे आप क्या करते हैं, अपना डाइट और सब कंट्रोल करके चलते हैं एक, क्योंकि आपको वेट कम करना है अपना, तो आप खाना कम कर देते हैं, खाना पीना कम करते हैं, तो वो नहीं करना है। आपकी न्यूरिश्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिंपल ही हो, बट उसमें हेल्दी न्यूरिशमेंट वाली डाइट लीजिए, पानी भी लीजिए, क्योंकि दोनों ही मिलके स्टूल फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी। अगर आप डाइट अच्छे से नहीं लेंगे, आप पानी नहीं पियेंगे, तो आपका स्टूल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और जब स्टूल ही फॉर्म नहीं हो पाएगा तो आपको डिज़ायर स्टूल पास आउट करने की डिजायर या अर्जिंग होगी ही नहीं, और आप फील करेंगे कि आप कॉन्स्टिपेटेड है। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का एज सच कुछ सिम्टम नहीं है कुछ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टूल पास आउट करते हुए, चाहे आप दिन में 2 या 3 बार जा रहे हैं, बट आपको स्टूल पास आउट करते हुए कोई भी अनइजी, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन या कोई प्रेशर स्ट्रेन नहीं लगाना पड़ रहा है, देन इट विल बी ओके, यू आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड। बट और 2-3 दिन में भी अगर आप एक बार स्टूल पास आउट कर रहे हैं बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी ओके है। बट अगर आपको चाहे 2-3 दिन में एक बार जा रहे हैं या एक दिन में भी 3-4 बार जा रहे हैं, बट आपको कुछ ना कुछ अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेनिंग हो रहा है, देन यू नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और क्लीनिनेस ऑफ योर एनल कैनाल इज वेरी नेसेसरी। उसके लिए एक नेचुरोपैथी में योगिक वे होता है टू वी द क्लीन द एनल कैनाल, तो वो एक प्रोसेस आप सीख सकते हैं। उस प्रोसेस से भी आपकी जब एनल कैनाल की क्लीनिनेस होगी तो आपको डिजायर जो सेंसेशंस होते हैं वो भी प्रॉपर आएंगे और आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें फॉलो करने के बाद भी स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है तो आप, और आपको कोई मेडिकल हेल्प लेनी पड़ रही है, देन यू कैन गो फॉर अ लिक्विड पैराफिन और अगार अगार। लिक्विड पैराफिन और अगार अगार क्या करेगा, अगर आपका ग्रीडी कॉलन है, ग्रीडी कॉलन मीन्स जब आप लेक्सेटिव्स लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो जो टॉक्सिक मटेरियल एब्जॉर्ब होने
नहीं चाहिए थे। इवन जो लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपका फुल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन में होने लग जाता है, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको ऑटो इंटॉक्सिकेशंस के सिम्टम्स हो सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम आने लगते हैं। तो अगर आप लैक्सेटिव परगेटिव्स लेते हैं तो आप लिक्विड पैराफिन लीजिए, उससे क्या होगा कि वो इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है इन इंटेस्टाइन, तो वो आपका स्टूल में पास आउट हो जाएगा। तो लिक्विड पैराफिन या अगार अगार लीजिए। कुछ बातें आप ध्यान रखिए, एक जैसे आपने देखा होगा कई बार आपको बोला जाता है कि आप सुबह उठते के साथ ही गर्म पानी पीजिए, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। ऐसा नहीं है, आप ठंडा पानी पीजिए एक ग्लास उठते के साथ ही, तो भी आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पानी कैसा होना चाहिए उससे कोई रिलेटेड नहीं है। इवन आपको कोल्ड वाटर पीना चाहिए जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन ना रहे, यानी वो टॉक्सिन्स निकल जाए बॉडी से। एक आप अगर आप रेगुलर इनिमा पे हैं, कई बार आपको कुछ थेरेपीज ऐसा बोलते हैं इनिमा पे लेते हैं कि आपके पेट की गर्मी है उसको रिलीव करने के लिए आपको इनिमा दिया जाता है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस अगर आपको नेचुरली 2-3 दिन में या 1-2 दिन में, क्योंकि दैट इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स, हर किसी का अपना एक तरीका है, अपना एक सिम्टम्स है कि किस तरीके से उनको क्या रिलीफ मिल रहा है। बट अगर वो डिस्कम्फर्ट नहीं है तो वो उनकी टोटलिटी है, उनकी इंडिविजुअलिटी है। अगर आपको कोई ये है कि आपका पेट साफ नहीं है, आपको गर्मी है, और उसको ठीक करने के लिए आपको रेगुलर इनिमा पे लिया गया है, तो ये ना करें। क्योंकि ये जो इनिमा वगैरह है ये आगे जाके आपको पाइल्स और फिशर फिस्टूला में कन्वर्ट कर सकता है, कोई ना कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ इनिमा। ऐसा कुछ नहीं है कि पेट की गर्मी इनिमा या पेट रेगुलर जबरदस्ती का साफ करवाने से आपके पेट की गर्मी निकलेगी, ऐसा नहीं होता है। बट आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा कि आपको बोला जाता है आपके पेट में गर्मी है इसलिए आप इनिमा देते हैं, या आपको लेक्सेटिव भी देते हैं कि पेट साफ होना जरूरी है। आप नेचुरल प्रोसेस के साथ अगर छेड़खानी करते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में कन्वर्ट जरूर होता है। तो अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहे आपको दिन 3 हफ्ते में 3 बार ही क्यों ना आ रहा हो, स्टूल पास आउट होने की डिजायर क्यों ना हो, चाहे दिन में 3 बार क्यों ना हो, बट ऑल आर नॉर्मल, दैट इज डिपेंड अपॉन योर ओन इंडिविजुअलिटी। सो डोंट बी कंफ्यूज एंड चेक वेदर यू आर कॉन्स्टिपेटेड और नॉट। तो होम्योपैथी में भी ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन के बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बट दैट इज ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक मेडिसिन बताऊं और वो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर दे, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी स्टूल कंसिस्टेंसी, आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स, आपके मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑल कैन कंसिडर एज अ टोटलिटी, और उनके बेसिस पे जब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है और आपको कंटिन्यू हर दिन मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ऐसा है कि कॉन्स्टिपेशन है, आपको कंटिन्यू लैक्सेटिव पर्गेटिव लेना है, आप वो नहीं लेना चाहते हैं और नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आके जाके कन्वर्ट हो सकता है पाइल्स फिशर फिस्टूला के अंदर, तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, वो आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे एज पर योर टोटलिटी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या किसी और अदर प्रॉब्लम के बारे में मेरे से कोई कंसल्टेंसी या राय चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे मैसेज में आप अपनी प्रॉब्लम देके मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे मेल में आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, और अगर कोई आपने रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो वो रिपोर्ट्स भी अटैच करके भेजिए ताकि मैं आपको अच्छे से प्रॉपर उसका रिप्लाई कर सकूं। तो आप मेरा मेल आईडी भी नीचे डिस्प्ले है, आप उस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले।